नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम डिक्स में। दोस्तों यहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं, कल मैंने सैंडमायर यानी कि इस रिडक्शन इस वाली क्रिया तक की मैंने आपको दिया था, इधर आपको यहाँ तक की एक और नीचे मैंने आपको दिया था। आज मैं उसी के जस्ट आगे लेकर के आ गया हूँ रिएक्शन। दोस्तों केमिस्ट्री के हैं इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखे भी देता हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री 12th क्लास के हैं दोस्तों, ठीक है, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए, दोनों के लिए, ठीक है, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों, देखे क्लास 12th का है दोस्तों, ठीक है, क्लास 12th यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड 2019, ठीक है, 2018 नहीं 2019, ठीक है, 2019 की तैयारी चल रही है। तो यहां से आप रिएक्शन आप देख लीजिए, सबसे पहली रिएक्शन है यहाँ पे, पूरे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर हमारी तरफ हमारे इस वीडियो को देखते रहिएगा। ये था इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री क्लास 12th यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए, देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहली रिएक्शन है क्लेशन संग्रहण, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लेशन संघनन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों राइटिंग की थोड़ी दिक्कत होगी, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने जिस लड़के से लिखने को कहा था वो उसकी राइटिंग बिल्कुल जल्दी जल्दी में लिख गया, इसलिए थोड़ी खराब हो गई, इसलिए मैं आपसे बहुत बहुत तहे दिल से माफी चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे। पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बट आपको समझ में आ जाएगा ऐसा मेरा मानना। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसमें आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहली लाइन यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखनी है, इस संघनन को क्लेशन, ठीक है, कंडेंसेशन कहते हैं। पूरी लाइन में नहीं लिखा, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको रिएक्शन यहां तक की लिखनी है, ये पूरी आपको याद करनी पड़ेगी, इसको समझने और समझाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ये मैंने भी याद की थी जब मैं 12th में था, आपको भी ये जरूर जरूर याद करनी पड़ेगी, इसको समझाने के लिए कोई तरीका नहीं। अगर कोई रिएक्शन समझाने वाली आती दोस्तों पिछले वीडियो में मैं समझा चुका था, और वीडियो का लिंक आप हमारे आई बटन में दिया गया है। ये मैंने आपको बता दी CH3-COO-C2H5+H2H2, ठीक है, यह है आपकी, फिर डैश करके COO-C2H5 डैश करके C2H5ONA, ठीक है, ये ONA है। यहाँ पे भी CaO2C2H5 यहाँ पे भी लिखा है, यही चीज यहाँ पे भी लिखी है, बट यहाँ पे H5 आगे आ गया, यहाँ पे NA पीछे चला गया है, बट क्रिया यही करानी। तो ये आपका बनेगा एथिल एसीटोटेट, ठीक है, एथिल क्लेकोटेट। दोस्तों इसका लिंक ये सब आपको एकदम सही करके अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये रिएक्शन थी क्लेशन रिएक्शन, ये आती है 2 नंबर की, ठीक है, ये 2 नंबर की आती है। नेक्स्ट यहाँ पे है पार्किन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं पार्किन रिएक्शन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे। ये सबसे पहले आप जब एसीमेटिक एल्डिहाइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड, यहां से आप लाइन लिखेंगे यहां तक की क्रिया कहते हैं, इसे पार्किन क्रिया कहते हैं, फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन लिखेंगे C6H5CHO+CH3CO, ऐसे डैश लगा करके 0 लगा देंगे यहाँ पे, फिर इसी तरह ऐसे डैश लगा करके लिखेंगे CH3CO, फिर ऐसे एक एरो लगा करके लिखेंगे ऊपर CH3COONA, फिर डैश करके इधर लिखेंगे C6H5CH, बराबर करके, बराबर का निशान है, डैश का निशान नहीं है, ठीक है, इसके बराबर है CH COOH+CH3COOH, ये प्रूव्ड हो गई है, यहाँ पे लिख देंगे आप प्रूव्ड, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन दोस्तों, यहां से लेकर के आप लाइन लिखेंगे, क्या लाइन लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोनिल क्लोराइड की क्रिया जिंक अमलगम व HCl के साथ कराते हैं, तो हाइड्रेंसी C=0 का अनुपात CH2 को अपचयन की जाती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू CH2 C=O यहाँ पे रखी जाती है। देन यहाँ पे ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाले हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग में है, ठीक है, ये अभिक्रिया आपकी असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में होती है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया फिलहाल, ये आपको सबको याद करनी पड़ेगी, इसको समझने का कोई तरीका नहीं है, फिर यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, ये पूरी रिएक्शन यहां तक क्या बनेगा आपका, एथेन बनेगा, जो आपको बनाना था एथेन, ठीक है, एथेन बनाना था, ये देखिए यहाँ पे एथेन बन गया है, देखिए CH3 डॉट लगा है बीच में प्लस H2O, ये एथेन बन गया, ठीक है, सेम इसी तरह लिखना है। ये सब आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट रिएक्शन है सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर
रिडक्शन, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं, कोई लाइन नहीं लिखनी, डायरेक्ट रिएक्शन कंप्लीट करना है। C6H5N2Cl प्लस HCl ऑब्लिक करके CU2Cl2 अपॉन HCl, फिर इधर एरो के इधर लिखेंगे C6H5Cl प्लस N2 प्लस HCl, फिर ये इधर ले आएंगे, ये अभी वहां पे कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। C6H5N2Cl प्लस HCN वहां पे कंप्लीट यहां पे हो गई थी, ये फर्स्ट सेकंड तीन रिएक्शन में कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड, ठीक है। C6H5N2Cl प्लस HCN ऐसे ब्रैक ऐसे तीर लगा करके आप लिखोगे CU2 ब्रैकेट में CN2 अपॉन करके HCN C6H5CN प्लस N2 प्लस HCl, यहां पे कॉमन, यहां BR के साथ अभिक्रिया करानी थी, ठीक है, BR के साथ, ये वाली BR के साथ है, ठीक है, अभिक्रिया तो आपकी यही कंप्लीट हो गई थी, बट मैंने एक प्लस कर दी है BR के साथ। अगर आपसे पूछ लेता सेंटमायर रिएक्शन BR के साथ लिखो, ठीक है, तो अब आप फंस जाते हैं, ठीक है, तब आप फंस जाते हैं, आप कर ना पाते, तो ये मैंने BR के साथ भी लिख दिया C6H5N2Cl प्लस HBr, फिर एरो के इधर लगा करके, एरो लगा करके लिखो CU2Br2, यहां पे Cl2 लगाते थे, यहां Br2 कर देंगे, बस और कुछ नहीं चेंज होगा, अपॉन करके HBr, फिर इधर लिखेंगे C6H5Br प्लस N2 प्लस HCl, ये यहीं पे खत्म हो गई, यहां पे लिख दीजिएगा नीचे प्रूव्ड, ठीक, यहां पे प्रूव्ड लिख दीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन है हमारे इस वीडियो की दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं गार्टरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, गार्टरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसमें सही यही वाली है जो आपको दिख रही है, इधर थोड़ी साइड में आप कट गई है, गार्टरमैन यहां पे एक रिएक्शन, ये फर्स्ट आप यहां लिखेंगे, देन इसके बाद आपका यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, यहां से ये जो काटी गई है ये मैंने काट दी थी, ये थोड़ी सी गलत लिख गया था यहां पे, अभी एक सेकंड आपको समझाता हूं मैं, ठीक है, ये काट दो एकदम, यहां कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, एक दिन मैं खत्म किए देता हूं। सबसे पहले आप गार्टरमैन रिएक्शन अगर आपके पेपर में आ जाएगी तो आप सबसे पहले यहां से यहां तक लाइन लिखेंगे, लाइन लिखने के बाद में फर्स्ट रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट है C6, ये C है दोस्तों, C6H6 प्लस CO प्लस HCl, फिर एरो लगा करके AlCl3, फिर C6H5CHO, नीचे लिखेंगे बेंजल्डिहाइड प्लस HCl, यहां तक ही लिखेंगे, फर्स्ट यहां तक ही लिखेंगे, देन इसके बाद इधर ले आएंगे, ये सब आपको हमारे PDF में मिल जाएगा, इसको कोई चिंता मत कीजिएगा, फिर ये वाली ये पूरी रिएक्शन यहां से लिख देना है, ये आपकी कंप्लीट होगी, ये होगी गार्टरमैन, ठीक है, ये हो गया आपकी गार्टरमैन, यहां पे आपकी कंप्लीट हो गई, ये मैं आपको PDF में दे रहा हूं, उसमें कोई आपको देखने के सेम इसी तरह याद करनी हो आपको गार्टरमैन, एक एक रिएक्शन आपको याद करनी है दोस्तों। तो आज मैंने आपको चार रिएक्शन बताई, ठीक है, ये चारों रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये आपको PDF में मिल जाएंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ओके, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा अपना व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के जरिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपने हमारे दूसरे चैनल BBK व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.